ओके फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोगों ने कॉम्युनिकेबल डिजीज को यानी कि जो किसी एजेंट के थ्रू होने वाला जो डिजीज है उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद में जो सेकंड पोर्शन है एसी में वह है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। देखिए नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जितने भी हैं वो हम लोग लगभग क्लास 11th में कंप्लीट कर चुके हैं, बस नाम जान लीजिए, वो पूरा डिटेल हो चुका है, तो नाम जान के आप उसको रिकॉल कीजिए और समझिए। नॉन कॉम्युनिकेबल का मतलब हुआ कि हमारे साथ में रहने वाले पर्सन को अगर वह डिजीज हुआ है तो उससे कॉम्युनिकेट होकर के किसी भी वेक्टर के थ्रू या किसी फैक्टर के थ्रू हमारे अंदर नहीं आएगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं नॉन कॉम्युनिकेबल, यानी कॉम्युनिकेट नहीं हो सकता है। दो पर्सन के बीच में वह किसी भी फैक्टर से वह डिजीज कॉम्युनिकेट नहीं करेगा, तो जिसके अंदर है वही तक सीमित रहेगा वह। तो ये जो डिजीज होते हैं वह जनरली हमारे बॉडी के कुछ डिसफंक्शन या कोई फैक्टर की वजह से होते हैं, जैसे आपने फैट खाना ज्यादा कर दिया तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो गया, या फिर कोई हार्मोन डिसऑर्डर हो गया, तो ये सब नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कुछ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज को, तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसको क्या बोले थे शॉर्ट में, IIDM, ठीक है। उसी तरह सेकेंड में नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, तो इसको NIIDM। तो ये दोनों जानते हैं कि वो इंसुलिन से रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह एक होता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि मान लो किसी पर्सन का किडनी खराब है और वो किसी डोनर से किडनी को लिया और सब चीज ब्लड ग्रुप सेम है, सब चीज हो गया, सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी वो उस किडनी को रिजेक्ट कर दिया और उस किडनी को मारना चालू कर दिया, या फिर हमारे ही बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन किसी दूसरे फैक्टर के वजह से अपने ही ऑर्गन को मारना चालू कर दे, यानी हमारे ही बॉडी का कोई एक ऑर्गन हमारे ही इम्यून रिस्पॉन्स से खराब हो या डैमेज हो, डैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून, यानी ऑटो का मतलब स्वयं का इम्यून से होने वाला प्रॉब्लम, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये समझो कि ये कोई भी जो नाम लिखे हैं इसमें किसी अगर एक को प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम उसी तक रहेगा, उसके बॉडी से किसी दूसरे के बॉडी में वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। उसके बाद में देखिए जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हाइपर टेंसिव का पेशेंट हुआ या आरटीओ एस्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो ये जितने भी डिजीज हैं, तो यानी जैसे कोई भी एक हार्ट डिजीज को आप ले लीजिए, हार्ट डिजीज में आप लोग पढ़े होंगे कोई भी तरह का स्ट्रोक या थ्रोम्बोसिस हो गया या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टियोस्क्लेरोसिस हो गया, ये जितने भी हैं ये ऑटो मतलब कि ये नॉन कॉम्युनिकेबल है। आर्टियोस्क्लेरोसिस, एथेरो
एस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस या मायोकार्डियल इंफेक्शन जिसे MI भी बोलते हैं, यानी जिसे आप क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। तो ये सब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब जो डिजीज है, जैसे हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हो गए, या कोरोनरी हार्ट डिजीज भी आप जानते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये जितने भी कोरोनरी मतलब हार्ट के अंदर में जो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड डिजीज कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया। तो ये सब भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है। तो जितने भी क्लोरोसिस, थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन, जितने भी नाम मैंने आपको बोला, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज, वो भी एक RHD बोलते हैं हम लोग, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। तो ये सब जितने भी हो गए, अब ये हार्ट से रिलेटेड तो हो गया, उसके बाद कोई भी स्ट्रोक जो हो गया यानी पैरालिसिस का कंडीशन, स्ट्रोक ब्रेन से रिलेटेड, किसी एक आदमी को पैरालिसिस हुआ है तो उसके आसपास रहने से वो पैरालिसिस हमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जनरली पैरालिसिस जो है वो हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर का कोई पार्टिकुलर नर्व जो है वो डैमेज हो गया, और जो चैन सप्लाई कहने का मतलब समझो कि एक वायर है, स्विच से लेकर के बल्ब तक वो वायर गया, स्विच यहां पे दबाते हैं बल्ब जलता है, बीच में कहीं से भी कट कर दो बल्ब जलेगा स्विच दबाने पे नहीं। तो यहां पर ब्रेन स्विच है और ये ऑर्गन हमारे बल्ब है, और बीच में जो मैसेज आया है, बीच में कहीं से भी कट हो गया तो मैसेज ही नहीं पहुंचेगा तो काम करेगा ही नहीं, वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। तो वह हो गया पैरालिसिस, यानी तो उससे रिलेटेड जो बात हो गई वो स्ट्रोक में आ गई, जो कि आप लोग नर्वस सिस्टम में पूरा देखे होंगे। फिर उसी तरह रेमेटॉइड, जितने भी हमारे बोन से रिलेटेड डिजीज है, किसी का बोन में कोई प्रॉब्लम होना, हड्डी का टेढ़ा हो जाना या हड्डी का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, ये सब भी जो है वो क्या है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, रूमेटॉइड हो जाना, ठीक है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या जितने भी बोन से रिलेटेड डिजीज हैं वो सभी जो हैं, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जो बोन है उसमें पोर का फॉर्मेशन हो जाना, अगर ये हमारा बोन है तो इसमें इस तरह से कुछ पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके वजह से बोन जो है वह कमजोर पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप खुद देखिए कि ये जितने भी डिजीज हैं वो सभी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, और एक इंपॉर्टेंट जिसे हम लोग अभी आगे के टॉपिक में डिटेल करेंगे तो वह है कैंसर। कैंसर भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, और कैंसर को पूरा डिटेल अभी हम पढ़ाने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये सारा चीज जो हो गया वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज का पोर्शन कंप्लीट हुआ, डिजीज के बाद में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हम लोग नेक्स्ट ऑफ क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इम्यूनिटी क्या है, कैसे हमारा बॉडी जो है किसी पैथोजन से फाइट करता है, ये सारा चीज जो है हम लोग को पूरा डिटेल जो है आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ओके। तो तब तक आप ये पूरे जो हमारा जो डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो MCQ है उसको बनाना स्टार्ट कीजिए।
और तब उससे रिलेटेड जो डाउट हो उसको आप पूछिए जरूर से। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी। ओके, थैंक्स।